ओडीआई में किया सुपरा साफ और अब टी20 में भी भारत ने कर दी है धमाकेदार शुरुआत। त्रिनिदाद में खेली पहले रोहित शर्मा ने जबरदस्त पारी और फिर दिनेश कार्तिक ने अपने चिरपरिचित अंदाज में किया फिनिश, जिसके बाद गेंदबाजों ने किया अपना काम और वेस्टइंडीज की टीम ने भारत के आगे टेक दिए घुटने। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कैसे भारत ने पहले टी20 मैच में किया विंडीज टीम को ढेर और सीरीज में बढ़ाई बढ़त। दोस्तों, रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया त्रिनिदाद के ब्रेन लारा क्रिकेट एकेडमी में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 मैच में दो दो हाथ करने उतरी। हालांकि भारतीय कप्तान रोहित टॉस जीतने में सफल नहीं हो सके और विरोधी कप्तान पूरन ने भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। और दोस्तों, मैच के शुरुआत में ही भारतीय खेमे ने सभी को चौंका दिया, जहां सभी ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि रोहित और पंत की जोड़ी भारत के लिए ओपन करने आएगी। वहीं पर टीम इंडिया ने सूर्यकुमार यादव से ओपनिंग करवाने का फैसला करके सभी को हैरान कर दिया। हालांकि ये फैसला कुछ हद तक सही भी साबित होता हुआ नजर आया। रोहित और स्काई की जोड़ी ने केवल 28 गेंदों में 44 रनों की साझेदारी कर टीम में बेहतरीन शुरुआत दिलाई। इस दौरान सूर्या ने कुछ अच्छे हाथ दिखाए और 16 गेंदों में 24 रनों की पारी खेले। दूसरे एंड से रोहित शुरुआत से ही शानदार लय में दिखाई दे रहे थे और भारत एक अच्छे स्थिति में नजर आ रहा था, पर जैसे ही 5वें ओवर में अकील हुसैन ने स्काई को पवेलियन भेजा, अचानक से मैच ने नया मोड़ लिया। स्काई के जाने के बाद श्रेयस अय्यर कुछ खास नहीं कर सके और बिना कोई रन लगाए पावर प्ले के आखिरी ओवर में ओबेड मैकॉय का शिकार बन गए। इसके बाद पंत ने भी अपने मौके को नहीं भुनाया और 12 गेंदों में 14 रन बनाकर पंत भी चलते बने। एक एंड पर रोहित टिके जरूर थे, पर उन्होंने लगभग अकेले दम पर ही भारत को 12वें ओवर में 100 का आंकड़ा भी पार करा दिया था। लेकिन दूसरे एंड से कोई खिलाड़ी सपोर्टिंग रोल निभाने में सफल नहीं हो रहा था। हार्दिक पांड्या भी एक खराब शॉट मारकर सस्ते में अपना विकेट गंवा बैठे, जिसके चलते 102 के स्कोर पर ही टीम इंडिया को चौथा झटका भी लग गया। हालांकि इसके बाद रोहित और जडेजा के बीच एक छोटी सी साझेदारी जरूर हुई और रोहित भी अपना अर्धशतक पूरा कर एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ चुके थे। लेकिन 15वें ओवर में होल्डर ने रोहित को आउट कर भारत को एक बड़ा झटका दिया। भारतीय कप्तान 44 गेंदों में 7 चौके और 2 छक्के की मदद से शानदार 64 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद 127 पर ही आधी भारतीय टीम पवेलियन पहुंच गई और मैच में वेस्टइंडीज की टीम वापसी करते हुए नजर आई। रोहित के जाने के बाद जडेजा भी ज्यादा देर तक विकेट पर टिक कर नहीं खेल पाए और 13 गेंदों में 16 रन बनाकर जडेजा अल्जारी जोसेफ के दूसरे शिकार बने। दोस्तों, इस समय 16वें ओवर में 138 पर 6 विकेट भारत के गिर चुके थे और वेस्टइंडीज के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर हावी नजर आ रहे थे। लेकिन दिनेश कार्तिक के इरादे तो कुछ और ही थे। डीके ने एक बड़े ही समझदारी से अपने इनिंग्स को पेश किया। शुरुआत में उन्होंने अश्विन के साथ मिलकर स्ट्राइक रोटेशन पर ध्यान दिया और जैसे ही कार्तिक ने अपनी नजरें जमा ली, फिर तो उन्हें रोक पाना वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। भारतीय टीम के फिनिशर डीके ने अपने चिरपरिचित अंदाज से अपने काम को अंजाम दिया। जहां रोहित को छोड़कर टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर फेल हुआ, वहां दिनेश कार्तिक ने मुश्किल हालातों में आकर केवल 19 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के की बदौलत 41 रनों की नाबाद पारी खेले। दूसरी तरफ अश्विन ने भी अंत में 10 गेंदों में 13 रन बनाए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत को 20 ओवर में 190 के मजबूत स्कोर तक पहुँचा दिया। हालांकि 191 के जवाब में वेस्टइंडीज के ओपनर काइल मेयर्स ने आते ही चौके छक्के बरसाने शुरू कर दिए। उन्होंने दूसरे ओवर में अर्शदीप की पहली 2 गेंदों पर 10 रन जड़कर दबाव डालने की पूरी कोशिश की, पर इस युवा गेंदबाज ने उसी ओवर में जबरदस्त वापसी करते हुए खतरनाक नजर आ रहे मेयर्स को चलता कर अपना बदला तो पूरा किया ही, साथ ही साथ भारत को एक बड़ी कामयाबी दिलाई। मेयर्स के 6 में 15 रन के कारण केवल 9 गेंदों में ही वेस्टइंडीज ने बोर्ड पर 22 रन लगा दिए थे। लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने जो वापसी की, फिर वेस्टइंडीज पूरी पारी के दौरान मुकाबले से बाहर ही रहा। पावर प्ले में जडेजा ने 3 नंबर पर प्रमोट किए गए जेसन होल्डर को खाता तक नहीं खोलने दिया। वहीं भूवी ने ब्रुक्स को 20 के नीचे स्कोर पर बोल्ड कर भारत को तीसरी सफलता दिला दी और पावर प्ले में वेस्टइंडीज 3 विकेट पर केवल 42 रन बनाने में कामयाब रहा। इसके बाद लड़खड़ाती हुई पारी को संभालने की जिम्मेदारी कप्तान पूरन और रोमन पॉवेल पर थी, पर 18 रन बनाकर पूरन भी चलते बने और पॉवेल भी 14 रन बनाकर बिश्नोई की गेंद पर बोल्ड हो गए, जिसके बाद 82 पर ही आधी वेस्टइंडीज की टीम डगआउट की शोभा बढ़ाते हुए नजर आए।
यहां से मैच पूरी तरीके से भारतीय टीम के गिरफ्त में आ चुका था। रही सही कसर अश्विन ने हेटमायर का बड़ा विकेट लेकर पूरा कर दिया। चोट के बाद वापसी कर रहे हेटमायर केवल 15 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए और फिर मुकाबले में महज औपचारिकता बाकी रह गई। ओडियन स्मिथ का खाता खुले इससे पहले बिश्नोई ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर अर्शदीप सिंह ने अंत में आकर अकील हुसैन को एक जबरदस्त यॉर्कर से बोल्ड कर दिया। किसी तरह वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर खेलने में कामयाब तो हो गया, पर भारतीय गेंदबाजों के सामने विंडीज बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए और उनकी टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 122 रनों में ही सीमित रह गई। भारत के लिए अर्शदीप, बिश्नोई और अश्विन ने दो दो विकेट झटके, वहीं जडेजा और भुवी को एक एक विकेट मिला, जिसके बाद टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 68 रनों के एक बड़े अंतर से हराकर पहले टी20 मुकाबले में जीत दर्ज की है और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। तो दोस्तों, आप भारतीय टीम के इस परफॉर्मेंस को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए क्रिकेट इन इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।